नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका डब्बा डेड होता है और वो दूसरों को रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं या किसी मैकेनिक को दिखाते हैं रिपेयरिंग के लिए। तो इस वीडियो में मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अपने डेड सेट टॉप बॉक्स को खुद ही कैसे रिकवर करते, कैसे रिपेयर करते। तो डेड सेट टॉप बॉक्स रिकवरिंग की बहुत सी प्रोसेस है। एक तो ये छोटे वाले प्रोग्रामर से कर लेते, बड़े वाले से कर लेते, बट ये दोनों साधन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और कर भी नहीं पाते। तो अगर आपके पास इस टाइप का, ठीक है, ये GX बेस्ट बॉक्स होते जिसमें कि ये आपको तीन, ये दिख रहे होंगे, पिन निकले हुए, यानी कि RS-232 का पोर्ट, इसके थ्रू भी आप आराम से रिकवर कर सकते हैं आपके बॉक्स को, चाहे एनटेक्स का हो, पगारिया हो, DVB हो, कोई सा भी हो, ये GOI का हो या कोई सा भी बॉक्स हो, आप घर बैठे उसको खुद ही कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, मामूली तीन चीज़ें चाहिए इन सेट ऑफ बॉक्सेस को रिपेयर करने के लिए। कुछ भी नहीं, बड़ी बात नहीं इसमें। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि USB to RS-232 कन्वर्टर, ठीक है, आप घर बैठे ही इसको, आपके डेड बॉक्स को रिपेयर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी भेजने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही घर बैठे कर सकते हो। तो एक तो आपको USB to RS-232 ये वाला चाहिए, ये ले लो, या फिर एक ये है, कोई सा भी ले लो, USB to RS-232, ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई है। और उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए कि ये 3-पिन सॉकेट चाहिए, ठीक है, ये आप या तो कंप्यूटर वाले की दुकान से ले सकते हो या फिर किसी ख़राब सेट टॉप बॉक्स में से निकाल सकते हो। बहुत से ख़राब सेट टॉप बॉक्स है इसमें से, आप, मैंने खुद ने भी निकाले हैं, तो आप भी जो है इसको निकाल सकते हो। ये मोस्टली दोस्तों VZone 8007 में, 8009 या और भी बहुत से बॉक्स रहते हैं जिसमें कि ये पीछे लगा हुआ रहता है, तो आप वहाँ से इसको निकाल सकते हो या फिर कंप्यूटर की शॉप से ख़रीद भी सकते हो, ठीक। ये हो गई दूसरी बात। और एक आपको चाहिए दोस्तों Female to Female RS-232, वो भी बनाई हुई, और Female to Female RS-232 सॉफ्टवेयर केबल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आप मेरा वीडियो देख सकते हो, Female to Female RS-232 केबल मेकिंग प्रोसेस, ये नाम से आप सर्च करो, सेटेलाइट ट्रैकर्स डाल देना आखिरी में, तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। या फिर और भी बहुत से भाइयों ने वीडियो बना रखे हैं कि RS-232 केबल को कैसे बनाएं, तो उनके वीडियो या मेरा वीडियो, किसी का भी वीडियो देख के आप ये केबल बना लो, ठीक है। तो ये मेरे पास तो 3-पिन सॉकेट बहुत सारे हैं, और उसके अलावा ये बहुत सी मैंने बनाई हुई भी है RS-232 Female to Female। तो खाली आपको तीन चीज़ चाहिए, एक तो ये Female to Female RS-232 और ये 3-पिन सॉकेट और ये USB to RS-232 कन्वर्टर मेल टू, है ना, ये USB है और ये मेल RS-232, ठीक, इस टाइप का लो या कोई सा भी ले लो, ये भी चल जाएगा, USB to Male RS-232, ठीक, ये हो गया एक चीज, ये दो और ये तीन, ये तीन चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ, ये जो खाँचा दिख रहा है सबसे पहले इसको यहाँ पे फिट कर लेना है, ये 3 पिन वाला खाँचा दिख रहा है ना, यहाँ पे ये फिट हो जाएगा, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। तो इसको ऐसे इस प्रकार से लगा लेना है, ये हो गया लॉक, ठीक। अब ये जो RS-232 है Female to Female, इसका मुंह इसमें लग जाएगा, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये इसमें लग जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया, अब यहाँ पे जो है USB कन्वर्टर, मतलब कि USB to RS-232 कन्वर्टर लगाना है। तो आप ये वाला, अगर आपके पास ये वाला हो तो ये लगा दो, ये वाला हो तो ये लगा दो, कोई सा भी लगा दो, मैं जो है ये वाला लगा देता हूँ, ये वाला मुंह जो है यहाँ पे लग जाएगा, ये मेल है और ये फीमेल है। दोस्तों एक बार आपको मैं पास से सभी चीज़ें दिखा देता हूँ, ये है मेरा 3-पिन सॉकेट जिसे, जो मैंने बड़ा वाला बनाया हुआ है,
ये आपके पास छोटा हो तो छोटा वाला लगा लेना। मुझे जो है डेली काम पड़ता है इसलिए मैंने इसको वायर लंबी करके बड़ा बना लिया। और ये है फीमेल टू फीमेल RS-232, और ये है RS-232 USB। ये इतने सामान हैं, इन सभी को मैंने यहाँ पे लगा लिया 3-पिन सॉकेट में। ठीक है, यहाँ से इसको लगा दिया कंप्यूटर में। और आपको GX डाउनलोडर बूट ये एप्लीकेशन खोलनी है, मैं इसका लिंक डाल दूँगा। चिप टाइप में अदर सिलेक्ट करना है। बूट फाइल में जेनेरिक फ्लैश बूट, जेनेरिक एस फ्लैश बूट ये करना है। कॉम पोर्ट ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट करता है। और फिर फाइल में जाके जो भी आपको इसमें सॉफ्टवेयर डालना हो वो सिलेक्ट कर लेवे। तो मैं जो है सॉफ्टवेयर इसका ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्ट बटन दबाना है। अब ये बोलेगा कि प्लीज़ पावर ऑन या रिस्टार्ट द बोर्ड, तो अब जो है पावर ऑन कर देते हैं। ये मैंने किया पावर ऑन। ठीक है, यहाँ पर लाल बत्ती जल गई और ये सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस हो गई चालू। अब ये लगभग 10 मिनट लेगा सॉफ्टवेयर अपडेट होने में, तो तब तक के लिए हम वीडियो को कर देते स्किप। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस हो गई है चालू, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को हम जो है स्किप कर देते, वरना ये वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी ये सॉफ्टवेयर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। वीडियो हमने स्किप कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा था। जब सॉफ्टवेयर 100% हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटेड करके लिखा हुआ एक पॉपअप आ जाएगा। तो जब ये कंप्लीट लिखा हुआ आए, आपको एक बार बंद करके चालू कर लेना है। जैसे ही बंद करके चालू करोगे, ये देखो ये बूट लिखा हुआ आ गया और ऑन लिखा हुआ भी आ जाएगा और चैनल नंबर भी आ जाएंगे। पहले ये सेट टॉप बॉक्स जो है डेड कंडीशन में था, लेकिन अब ऑन ये चैनल नंबर 288 आ गया, यानी कि हमारा सेट टॉप बॉक्स हो चुका है चालू। तो आप भी इस प्रक्रिया से कोई भी सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं जिसमें ये 3-पिन सॉकेट दिए हो। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपके पास ये RS-232 केबल है, तो आप जब इसको लैपटॉप या कंप्यूटर पे लगाओगे तो इस केबल का भी एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना आपका सॉफ्टवेयर नहीं हो पाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ। ये है CH-341 सीरियल या कॉम पोर्ट ड्राइवर कुछ भी। तो इस पर मैं ओके कर देता हूँ और ये EXE फाइल को ओके कर देता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो केबल है RS-232 इसका ड्राइवर हो जाएगा इंस्टॉल आपके कंप्यूटर में। और ये इसका सॉफ्टवेयर तभी इंस्टॉल होगा जब आप ये केबल कंप्यूटर या लैपटॉप से लगा के रखोगे। अगर आपने केबल निकाल रखी है तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि ये केबल कंप्यूटर या लैपटॉप से जब लगी हो तो ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, वरना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा और आपका सॉफ्टवेयर जो लोडर बूट है वहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं। या तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लो तो ये बाहर आ जाएगा, CH-341 सीरियल USB 2 सीरियल। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है। तो जब भी डेड सेट टॉप बॉक्स को रिकवर करो तो ये जो केबल लगा के ये ड्राइवर पहले इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। इसका मैं ड्राइवर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। इस वीडियो को देख के आप खुद ही घर बैठे अपना बॉक्स रिकवर कर सकते हैं। ये रहा हमारा कॉम पोर्ट, यहाँ से दिख गया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नई जानकारी के साथ।